नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है। आपको बता दें कि ललितपुर पुलिस की तीसरी आंख से नहीं बच सके 15 लाख की फिरौती मांगने वाले 25 हजार के इनामी बदमाश। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश अपने आप को माफिया डॉन लॉरेंस विश्वी गैंग का सदस्य बता रहे हैं। रातों रात लखपति बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन निकले ललितपुर के एक ही गांव के रहने वाले दो चिरकुट, जिसका आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा कर दिया है और पकड़े गए आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। था जिसमें प्रतिकर्ताओं द्वारा अपने आप को माफिया डॉन लॉरेंस विश्वी गैंग का सदस्य बताया था, जिसके बाद उसे पढ़कर पीड़ित व्यापारी के होश उड़ गए तो वही पुलिस की नींद उड़ गई थी। लेकिन इन बदमाशों की बदमाशी पुलिस की तीसरी आंख पर चढ़ गई और पुलिस ने आखिरकार इन्हें ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसका खुलासा आज ललितपुर की पुलिस लाइन सभागार में ललितपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने कर दिया। इस तरह इन बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और ये बदमाश चिरकुट थे। 15 जुलाई 2023 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा मडावरा स्थित एक सराफा व्यापारी से खरीदारी मांगी थी। उन्होंने यह बताया, उन्हें एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी, इसमें यह उल्लेख था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य और 3 सदस्य हैं जो कि उनसे फिरौती मांग रहे हैं। तत्काल टीम गठित करके थाना स्थानीय पुलिस के अलावा सर्विलांस, स्वॉट और एक विशेष टीम भी लगाई गई। उसी घटना का आज खुलासा किया जा रहा है। दो अभियुक्त चंद्रपाल और अनुकूल, ये दोनों सोजना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने यह बताया कि उनका लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से कोई भी नाता नहीं है। ये लोग यूट्यूब के माध्यम से उनका नाम उन्हें संपर्क में आया था और अपना नाम कमाने के लिए और अधिक पैसा के लालच में उन्होंने यह घटना कायम की।